नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अरविंद। आज मैं आपको हरियाणा कांस्टेबल का जो इनिंग चीफ का एग्जाम था उसकी फुल एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाना है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे के से आगे बैठना है तो उन्हें कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों M1, M2, M3 थ्री मैरिड कपल है और इनको एक साथ बैठना है तो M1 के लिए 3 वेज है बैठने के लिए और M2 के पास 2 वेज है बैठने के लिए। फिर M3 के पास जब एक सीट लेफ्ट रह जाएगी तो एक ही वेज में वो बैठ सकता है, तो टोटल वेज हो गए दोस्तों 6। नाउ जो मैरिड कपल है वो अपनी पोजीशन भी एक्सचेंज कर सकता है, आपस में बदल सकते हैं पोजीशन को। एक मैरिड कपल 2 वे में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो टोटल पोजीशन एक्सचेंज हो गई 2 × 2 × 2 8 वेज में, तो टोटल वेज हो गए 6 × 8 48 वेज में हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों फोर्टी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ज्यामितीय जीपी सीरीज है और 3 पदों का योग 13/12 है और उनका उत्पाद है जो प्रोडक्ट है उनका -1 है तो सामान्य अनुपात होगा। इसका भी दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, 11वीं क्लास की बुक से जीपी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सेम एग्जांपल है ये। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही और इसका सही आंसर दिया हुआ है R = -3/4 और -4/3। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जुगाली करने वाले का मैच है 4 भागों में, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पुलिस के द्वारा रोक लगाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है बस और सभी सर्च इंजन है। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीके का क्वेश्चन है बी। 7th क्वेश्चन दोस्तों, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अकबर के। एट क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी, हिरण, ये सभी पालतू है और हिरण पालतू नहीं है। 9th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। टेंथ क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों संतोष यादव। 11th क्वेश्चन, इसका सही आंसर है दोस्तों बी। 12th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसे मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया गया, ये दोस्तों 61वां संशोधन, इसका सही आंसर है दोस्तों ए। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों बी है इसका सही आंसर, पेमा खांडू। 14th का सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 15th, केवल शुद्ध आभासी प्रकार्य वाले वर्ग डैश कहलाता है, इसका सही आंसर दोस्तों सी, सार वर्ग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंग्लिश में बोलते हैं उसको, आपको मिल जाएगा गूगल पे टाइप करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16th, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये देखिए दोस्तों, पी ए की वैल्यू है 4/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 7/10। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे पी बी बाई ए, डायरेक्ट फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ए, तो हम इसको 7/10 डिवाइड में 4/5 को अगर सोल्व करेंगे हम 7/8 आंसर आ जाएगा, इस तरह से ये सोल्व होगा सर। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों थ्रो। 18th, 2003 में USA द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट का नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इराकी फ्रीडम, इसको भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए दोस्तों, 2003 में जो अमेरिका ने इराक पे जो ऑपरेशन किया था उसके उन्होंने नाम रखा था इराकी फ्रीडम और यूके के द्वारा नाम रखा गया था टैलिक, जो यूके ने ऑपरेशन किया था, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नाम रखा गया था ऑपरेशन फाल्कनर दोस्तों। बेलगावी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और डैश के बीच हुआ, इसका सही आंसर दोस्तों मालदीव के बीच हुआ था। 20 का सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सोल्व कर रहे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल ही। 21 का सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, खांडसा। 22
22 दोस्तों ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, जो 0 है ये फर्स्ट नंबर है और 2 है जो डिफरेंस है, जैसे 0 से 2 4 6 8 लेस देन 10 रखना है हमने, फिर हम सभी को जोड़ देना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और जो कि इन्होंने 20 आंसर सही दिखाया हुआ है, इसी तरह हमने उसको करना है दोस्तों। इसमें भी देखिए दोस्तों 1 से शुरू करेंगे हम, 1 3 5 7 9 लेस देन 11 रखना है, तो हम सभी को जोड़ देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी 26। 26 स्वर्ण पदक थे, 20 थे सिल्वर मेडल रजत पदक और 11 थे कांस्य पदक, जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार के लिए, इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मार्शल आर्ट और लोक कला। भारत में मैगनीज, इसका सही आंसर ओडिशा है जो हमारा मैगनीज उत्पादन करता है। 26 पाइथन में स्वर्ण प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन डैश द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर दोस्तों बी बाएं से दाएं। 27 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 28 ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, लेंस पर न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर है दोस्तों सी 30 सेंटीमीटर। 29 का दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है और मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता, इसका सही आंसर दोस्तों डी, जो कालिदास सम्मान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, ए और बी के बीच 4 बस मार्ग है, बी और सी के बीच 3 बस मार्ग है, ये मैथ का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, सोल्व कर रखा है मैंने। ये देखिए दोस्तों, ए से बी तक जाने के लिए उसके पास 4 मार्ग है और बी से सी तक जाने के लिए 3 मार्ग है। अब वो ए से बी तक 4 रास्तों से पहुंच सकता है और बी से सी से तक 3 रास्तों में पहुंच सकता है, तो टोटल वेज हो गए उसके 4 × 3 12 वेज में वो ए से सी तक पहुंच जाता है। जब वह वापस आता है राउंड ट्रिप में सी टू ए, तो उनके उसके पास जो रास्ते से गया है वो नहीं लेना है दोस्तों, तो उसके पास ए टू बी एक रास्ता ये कट गया है और बी टू सी वो भी रास्ता काट दिया, तो सी से बी तक आने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं और बी से ए तक आने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, तो टोटल वेज हो जाएगा 6 वेज में वो सी से ए तक आ सकता है, तो टोटल वेज हो जाएंगे दोस्तों 12 × 6 72 आंसर इसका दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों ए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जन खनिज संसाधन सर्वाधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में कथनों पर विचार करें, इसका इनकोरेक्ट आंसर है दोस्तों फोर, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया, ये गलत है और ये देख लेंगे किस ऑप्शन में नहीं है, तो सही बताना है दोस्तों 1 2 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी फिजिक्स का है दोस्तों न्यूमेरिकल, इसका सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको डी हो जाएगा। 36 आ गया, ये मैथ का क्वेश्चन है, 7n-2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर डैश द्वारा विभाज्य है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको सोल्व किया हुआ है मैंने ये। ये देखिए दोस्तों 7n-2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 45 आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 35 आ जाएगा, ये तीनों वैल्यू 5 से डिवाइड है, तो इसलिए जितने भी हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे वो 5 से डिवाइड होता जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। 37 क्वेश्चन है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होता है, सही आंसर है बी ग्लूटेन, गूगल में मिल जाएगा डालने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डैश की जांच का निर्देश देने की शक्ति होती है,
दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बी, एक संज्ञेय अपराध, ये कोग्निजेबल ऑफेंस इन इंग्लिश। इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये देखिए दोस्तों अंडर सेक्शन 156 CRPC की धारा है ये, मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ओनली इन रिस्पेक्ट टू कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस होता है जैसे चोरी, बलात्कार और मर्डर, और नॉन कोग्निजेबल हो गया हमारा सिंपल, जैसे किसी का मिसबिहेवियर हो गया है, जालसाजी हो गया है, इस तरह के नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और ये कैसे होता है दोस्तों, जैसे कोई भी आपकी मान लिया पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही, तो आपके पास क्या राइट है कि उसको FIR दिखवा सकते हो आप? तो आप सबसे पहले जाएंगे SP के साथ, अगर SP भी दबाव के कारण आपकी FIR नहीं लिखवा रहा है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो और 156(3) के तहत आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और जो मजिस्ट्रेट है उसको पुलिस को ऑर्डर देगा कि आपकी FIR फाइल करने के लिए। इसी केस में दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट और FIR फाइल करने की पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है दोस्तों, ये सभी है, इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोटेक इंडिया नहीं है, डी। BSNL टाटा कम्युनिकेशन का पुराना नाम था, BSNL भी है, और एयरनेट है जो प्राइवेट नेटवर्क देता है वाईफाई जैसे। वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अभ्यर्थियों का नामांकन। 41 का सही आंसर दोस्तों ए राइट आंसर है, कथन सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42, सूचना का अधिकार दोस्तों, इसका सही आंसर 2005 गलेना है जो PBS, इसका सही आंसर है लेड सल्फाइड, ये शीशे का अयस्क है दोस्तों गलेना। 44 है दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध में से परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया, इसका सही आंसर दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री भी थे दोस्तों, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गए थे रक्षा मंत्री बनने के लिए उस समय। 46 का राइट आंसर है दोस्तों जी, जौ, जो बोनवीटा वगैरह हॉर्लिक्स में यूज होता है जो। 47 है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नेक चंद सैनी ने इसका डिजाइन किया दोस्तों, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल, इसका सही आंसर दोस्तों बी चक्रवर्ती। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा UVB रेज। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से गर्भाशय की एक परत नहीं है, इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा एक्टोमेट्रियम। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा 480। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 53 का दोस्तों राइट आंसर है सी, ए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और 11वीं के मैथ से दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो इसको, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 44 एक अपराध की जांच, ये सिर्फ पुलिस अधिकारी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 दोस्तों आईपी एड्रेस बताना है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आईपी एड्रेस ऐसा ही होता है। 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा अलीबक्स। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इंफ्रारेड रेज के कारण होता है। 58 का दोस्तों सिंपल है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। 59 दोस्तों अगर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो बी ऑप्शन फिट बैठता है बिल्कुल, और कोई भी वैल्यू फिट नहीं बैठेगी इसमें। 60 का आसान क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। 61 दोस्तों 61 का सी हो जाएगा, बढ़ी सोनीपत में, हरियाणा का राज्य पशु, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काला हिरन हो जाएगा।
63 साइंस का क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दो पास एक साथ फेंके जाते हैं, ये मैंने सोल्व कर रखा है, दिखाता हूँ दोस्तों अभी। गिवन दिया है ए इवेंट सिक्स ऑन फर्स्ट डाइज, ये कह रहा है कि पहली डाई पे छः आएगा, तो टोटल आउटकम ऑफ ए डाई छः होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः में से कुछ भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सिक्स की वन बाई सिक्स हो गई। बी इवेंट है टू ऑन सेकेंड डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई वन बाई सिक्स, तो फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी का, पी ए डॉट पी बी, मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाई 36 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। हरियाणा की विधानसभा दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था, चंडीगढ़। 66 दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है ये भी, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये भी 11वीं के मैथ से दिया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ये देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये देखिए यहाँ देखिए, देर आर फोर शूट डायमंड क्लब स्पेड और हर्ट, ठीक है, हर तरह के 13 पत्ते होते हैं, तो उनमें से चार पत्ते निकालने हैं, तो कितने वे में निकाल सकते हैं, 13C4, और इसने बोला है कि एक रंग के चार की प्रायिकता क्या होगी 52 पत्तों में से, तो कोई भी रंग हो सकता है वो, तो हम 4 × 13C4 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2860। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसका सही आंसर है दोस्तों डी। ये देखिए दोस्तों, टोटल मैन 65 मैन है, तो इसका वेन डायग्राम बना लिया हमने, तो क्या कह रहा है, 40 लाइक क्रिकेट और 10 क्रिकेट और टेनिस, सबसे पहले हमने जो दोनों को लाइक करेगा क्रिकेट और टेनिस को, 10 हमने बीच में ले लिया, अब जो ओनली क्रिकेट लाइक करेंगे हम, 40 में से 10 घटा देंगे, ओनली क्रिकेट लाइक करने वाले 30 है, अब हम अगर हम 65 में से 40 घटाएंगे 25 आएगा, जो कि टेनिस लाइक करेंगे, और ओनली टेनिस पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो 25 - 10 = 15, 25 भी दिया हुआ है पजल करने के लिए, इसका सही आंसर दोस्तों 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुड्डा, फुलकारी नहीं होती, लकड़ी का होता है ये मुड्डा, जो यूपीओ में बहुत होता है, यूपी में मिलता है ऐसा मुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट सम्मेलन है जो ढाका में होता है, बेंगलोर में नहीं हुआ दोस्तों। 71 का राइट आंसर है दोस्तों सी, मचिया, इंग्लिश में देखिए फुटस्टूल क्राफ्ट, जो गाँव में होता है ना पिड्डा पिड्डी, वही है ये, पिड्डी पूछ रखा है इसने, फुटस्टूल क्राफ्ट है इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 73 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेंसिस, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेंसिक की परिभाषा क्या है दोस्तों, दी फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेंसिक, यही पूछ रखा है दोस्तों उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान है जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया था हरियाणा पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी निम्न में से चुनिए, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एसिड इन द स्टोमच, सलाइवा इन द माउथ, एसिड इन द स्टोमच, आप मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एसिड इन स्टोमच, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की क्रिया। दोस्तों इसका टाइप कास्टिंग हो जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको ये। 78 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 79 बिल्कुल आसान आंसर है, बी हो जाएगा इसका। 80 का राइट आंसर दोस्तों जीरो हो जाएगा, 81 दोस्तों, 81 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इसको, ये देखिए दोस्तों 11वीं के मैथ का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने मीन निकाला सभी का, प्लस करके 9 आ गया, फिर 9 में से सभी को घटा दिया, तो फिर इन्होंने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल के, और ये नीचे देखिए 2.75 आंसर निकाल रखा। दोस्तों सभी मैथ का क्वेश्चन है जो 11वीं के मैथ से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन रूमिनेंट हुपट, गैर जुगाली करने वाला खुर। दोस्तों आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 83 इसका राइट आंसर दोस्तों ए, बलदेव राज महाजन है जो हमारे वर्तमान में अधिवक्त है। 84 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कोस 0 = 1। दोस्तों ये जीरो है, थीटा नहीं है, इन्होंने थीटा लगा के दे रखा है, ये जीरो है। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बाबा रामदेव। 86 बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लिवणता, दोस्तों इसका नदी बहुत सी नदियां गिरती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कावेरी, सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसके कारण उसकी लवणता कम हो जाती है। दोस्तों हाल ही में इस देश ने गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया। दोस्तों मॉरीशस जो हिंदू बहुल देश है। 88 दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही अरग डैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, बी। ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों इसको, ये देखिए दोस्तों डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, सेम है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, करेक्ट आंसर डी, देखिए ही अरग डैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। दोस्तों 90 दी मास्टर सेज हैव यू सीन दी मैप, दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। अगर कोई भी नरेशन इन डायरेक्ट वाक्य में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो इफ या वट एदर लगा होना चाहिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। अब हम देखते हैं इफ या वट एदर किसके पास है, देखिए दी मास्टर बी ऑप्शन देखिए, दी मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज सीन दी मैप, इफ फोर्थ में भी लगा हुआ है पर इसमें पास्ट में चला गया बाद में, हमने सेम सेंटेंस में लगा देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वी आर सो लेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डेट वी कैन नॉट कैच दी ट्रेन। 92 का एज सून एज दी स्पीच स्टार्टेड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एज सून एज आया हुआ था तो डी डेमोन्स्ट्रेटर रश टू द प्लेटफॉर्म। 93 है दोस्तों ही डैश टू विकेट बिफोर द प्ले वॉज इंटरप्टेड बाई द ट्रेन, बिफोर अगर बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म हो तो उससे पहले हैड टेकन आएगा दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग वेन द विजिटर, सेम केस है, अगर पहले हैड आया हुआ है तो उसके बाद हम दूसरी फॉर्म आएगी। देखते हैं दोस्तों हिंदी के आ गए, अब राम खाना खाएगा इस वाक्य में कर्मवाच्य है, तो देख तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा डी। 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 97 कुत्ते ने बिल्ली को मारा, बिल्ली को में कौन सा कारक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कर्म कारक। शेर शब्द का शत्रुलिंग दोस्तों शेर नहीं हो जाएगा बी, जो किसी का उपकार ना माने इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। इनमें विशेषण है दोस्तों, विशेषण गोल, विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसमें गोल शब्द है जो विशेषता बता रहा है दोस्तों। ये थी दोस्तों
एनालिसिस पूरे पेपर की। दोस्तों ये थी पूरी एनालिसिस इस एग्ज़ाम की, ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका एग्ज़ाम 30 तारीख को हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है। कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।